इनके बारे में क्या बोल रहे हैं आप? इनके बारे में जो कोएक्यूज है उनके मेमोरेंडम मेमोरेंडम में में आया आया है कि राजा पांडे उर्फ रमाशंकर पांडे है। हाँ को नौकरी लगवाने के नाम पर पैसा दिया है और उन्हीं के द्वारा प्रार्थी लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिया था। कौन? ये पांडे जी ने लेटर यस, आफ्टर द मेमोरेंडम स्टेटमेंट माय लॉर्ड द आप लोग क्या मेमोरेंडम स्टेटमेंट का चुप हो जाते हो क्या? फिर कुछ करना नहीं रहता क्या? मतलब नहीं, उसके बाद इन्होंने इनके पुलिस प्रॉपर्टी प्रशासन बहुत पुअर है भाई, इंटेलिजेंसी तहसीलदार को कुछ है ही नहीं। ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 420 420, 467, 68, 71 एंड 34। क्या किया आपने? इट वाज एन एलिगेशन अगेंस्ट द को एक्यूज पर्सन सुरजीत पांडे एंड दीपेश पांडे अरे दे वाह, हैव। फर्जी ज्वाइनिंग रिपोर्ट, फर्जी ज्वाइनिंग रिपोर्ट। हाँ यस, वो उन लोग ने दिया, आपने हमारा दे रोल कहीं पे नहीं है, ना हमारा एफआईआर में नाम है, ना 161 स्टेटमेंट में नाम है कंप्लेन को हमारा, पार्टी बनाया क्या? क्योंकि को एक्यूज की दोनों की बेल हो चुकी है रेगुलर रेगुलर। बिल, हाँ रेगुलर बेल हो चुकी और ये क्या है? है, ये एंटीसिपेट नहीं, मेरा जो सबमिशन है मेरा कहीं पे भी 161 में भी इसीलिए नाम तो कंप्लेंट को बुलाना जरूरी है जी फिर। बना देता। अच्छा आप ये बताओ, उनकी कितने दिन बाद जेल हुई, बेल हुई? उन लोग की बेल एप्लीकेशन, इन लोग का अलाव हुआ था, एक का 6/11/23 को और एक का 10/11/24 को, कितने दिन जेल में रहे? नहीं नियर अबाउट 3 महीने करीब। नहीं पर उनके खिलाफ तो जी, एलिगेशन था, ठीक है ना, कंप्लेंट को पार्टी बना लो, बना पूरी देता हूं मैं। डायरी डायरी बुलाइए तो इनका डायरी है। इनके बारे में क्या बोल रहे हैं आप? इनके बारे में जो को एक्यूज है उनके मेमोरेंडम मेमोरेंडम में में आया है। आया है कि राजा पांडे उर्फ रमाशंकर पांडे हाँ को नौकरी लगवाने के नाम पर पैसा दिया है और उन्हीं के द्वारा प्रार्थी लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिया था। कौन? ये पांडे जी ने यस, प्रकरण में आरोपी राजा ये तो पांडे भगवान, मेमोरेंडम स्टेटमेंट, उसकी कोई ठीक है वैल्यू नहीं ना? वैल्यू क्योंकि अभी थोड़ी ना है, हाँ अभी तो वो तो ट्रायल में समझ में आएगा। नहीं मेरा जो सबमिशन है हाँ वन नहीं, हमको सिक्सटी ये चीज बताइए, जो मेमोरेंडम स्टेटमेंट आप बोलते हो कि वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है, वो तो ट्रायल के समय होगी। लेकिन अभी की अभी तो स्थिति आपका प्राइमा फेसी इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं देखना है। हमारा इन्वॉल्वमेंट को एक्यूज के मेमोरेंडम पे, हाँ कंप्लेनेंट ने कहीं पे भी नहीं कहा हमारे खिलाफ एक इवन अ कंप्लेंट सिंगल का हमारा स्टेटमेंट नाम पढ़िए तक नहीं तो लिया। देख लेते, विल सी दी कंप्लेंट स्टेटमेंट क्या बोलता है भाई। होगा भाई, ऐसा हो नहीं सकता। ये चार्जशीट की कॉपी है, उसपे हमारा नाम तक वन नहीं। सिक्सटी वन की हाँ स्टेटमेंट वगैरह देख लेते हैं क्या है जरा। सीताराम उराव कंप्लेनेंट है। मैं हाँ पते पर रहता हूँ, मैं ग्राम नकटीखार में रहता हूँ, बीए सेकेंड वर्ष में पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं एक बेरोजगार युवक हूँ। वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में आरक्षक पद की वैकेंसी निकली हुई थी, जिसमें मैं फॉर्म भरा हुआ था एवं फिजिकल का तैयारी कर रहा था। उसी समय राकेश पासवान भी आरक्षक भर्ती में फॉर्म डाला था। वर्ष 2018 में ही हमारा परिचय सुरजीत पांडे निवासी सेक्टर 5 आवासीय परिसर बालको से हुआ। तब वह बोला कि डीजीपी के कोटे में आरक्षक भर्ती का पद रिजर्व है, जिसमें मैं तुम लोगों का आरक्षक में नौकरी लगवा दूंगा। कुछ समय पश्चात सुरजीत पांडे मिथिलेश पासवान के घर गया, तब आरक्षक में नौकरी लगाने के लिए एक लड़के को 4 लाख में सौदा हुआ और साथ में बोला कि और लड़के जो पुलिस आरक्षक भर्ती में फॉर्म डाला होगा तो भी मुझे बताना, मैं उसका भी नौकरी लगवा दूंगा। यह बात मुझे राकेश पासवान बताया और सुजीत पांडे के बातों में भरोसा कर लिया। करीब एक सप्ताह बाद मुझे राकेश पासवान एवं मिथिलेश पासवान तीनों को सुरजीत पांडे अपने बालको स्थित घर में बुलाया। तब हम तीनों उसके घर गए। सुरजीत पांडे बोला कि प्रोसेस के लिए पहले एडवांस में एक आदमी का 2-2 लाख रुपए लगेगा बोला। तब हम लोग बोले हमारे पास अभी 2 लाख रुपया कैश नहीं है। तब वह बोला कि तुम लोग मुझे 2-2 लाख रुपए का ब्लैंक चेक में 2 लाख रकम लिखकर उसमें अपना अपना साइन करके दे दो, मैं किसी दूसरे के नाम से निकलवा लूंगा। तब मैं और राकेश पासवान दोनों चेक के बारे में अपने पिताजी एवं माताजी को बताए और हम लोग अपने अपने घर आ गए। इसी बीच लॉकडाउन होने से हम लोग चेक सुरजीत पांडे को नहीं दे पाए थे। 19 माह नवंबर में मैं अपनी माँ सुमित्रा बाई के नाम का चेक बुक से अपने माँ का हस्ताक्षर कराकर सुरजीत पांडे को दिया था। वर्ष 2022 जनवरी में मुझे राकेश पासवान, मिथिलेश पासवान, रघुवीर यादव, मनीष सिंह एवं पूरन प्रताप सिंह को अपने घर सुरजीत पांडे बुलाया था। तब मुझे बोला कि तुम सब लोग का ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, तुम लोग बचा हुआ 2-2 लाख रुपए मुझे दे दो बोला।
पैसा देने के बाद ही मैं तुम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। मैं वहां आए लड़के लोगों से पूछा तो बताया कि वे लोग भी पुलिस भर्ती के लिए सुरजीत पांडे को पैसा दिए हैं। तब मेरे घर वाले ब्याज में उधार में लेकर 2 लाख रुपए लेकर तुरंत आए और सुरजीत पांडे को मैं पैसा दे दिया। उसी समय सुरजीत पांडे मुझे ज्वाइनिंग लेटर दिया। उसी दिन राकेश पासवान, मिथिलेश पासवान एवं रघु यादव को भी ज्वाइनिंग लेटर दिया। मैं ज्वाइनिंग लेटर लेकर घर आ गया। 2 दिन बाद मैं सुरजीत पांडे से पूछा कब ज्वाइनिंग करना है। तब वो बोला 31 जनवरी इसी महीने का ज्वाइनिंग करने जाना है। दिनांक 28/1/2022 को मैं ज्वाइनिंग पता करने सुरजीत पांडे के घर गया। तब दीपेश पांडे घर में था। वह बोला मैं भी पुलिस में भरा हूं, मेरा भी ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। अभी ज्वाइनिंग का डेट आगे बढ़ गया है, 31 जनवरी 2022 को नहीं है। ऐसा मुझे उसके बातों में आकर घर आ गया। कुछ दिन बाद मैं उस उनसे सुरजीत पांडे को संपर्क किया। तब सुरजीत पांडे और उसका बेटा दीपेश पांडे बोले ज्वाइनिंग डेट आगे बढ़ गया है। बहुत दिन के बाद मैं बोला ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है तो मेरा पैसा वापस कर दो। मुझे धीरज धरा कर रखते थे। मैं पैसा वापस करने के लिए दबाव लगातार बनाया तो सुरजीत पांडे के बेटे दीपेश पांडे के फोन पे के माध्यम से 21 जून 2022 को 50,000, 26 जून 2022 को 50,000। व्हाट अबाउट रमाशंकर पांडे? रमाशंकर पांडे का इनके स्टेटमेंट में, बाकी कंप्लेनेंट का? बाकी कंप्लेनेंट के में भी रमाशंकर पांडे का डायरेक्ट नाम नहीं आ रहा है, मेमोरेंडम में ही आया है, जिसमें क्या जो एक्यूज ने कहा है कि रमाशंकर पांडे से ही ज्वाइनिंग लेटर लेकर इनको दिया और नौकरी लगवाने का पैसा मतलब मेन रमाशंकर, खिलाड़ी कौन है? ये रमाशंकर है क्या? दैट इज व्हाट इट सीम्स तो फ्रॉम। हाउ यू इन्वेस्टिगेटेड मैटर अबाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सी आफ्टर मेमोरेंडम स्टेटमेंट? Whether you some inquiry has been conducted by the prosecutor, whether some material has been collected by the IO, let him say. After the memorandum statement, my lord, the आप लोग क्या मेमोरेंडम स्टेटमेंट शुभ हो जाते हो क्या? फिर कुछ करना नहीं रहता क्या? मतलब नहीं, उसके बाद इन्होंने इनके पुलिस प्रॉपर्टी, तहसीलदार प्रशासन बहुत पुअर है भाई, इंटेलिजेंसी को कुछ है ही नहीं। चल ये फरार है, चल अचल संपत्ति के ब्यौरा मांगे हैं गिरके तहसीलदार से। इनके अभी तक नहीं एफआईआर मांगे। कितने दिन, कब की एफआईआर है? क्या कर रहे हो आप लोग भाई? ट्वेंटी इज डेटेड 21/7/2023। थ्री अभी चल अचल संपत्ति कब मांगा आपने? नौ दस तेईस को वो जरा उनका दोनों का ऑर्डर की कॉपी बताइए तो जरा प्लीज। आई एम नॉट हैविंग बट इट वॉज माई लॉर्ड। तो यू शुड हैव यस दे वाइल दिस कोर्ट ग्रांटिंग दी बेल मस्ट हैव बीन शिफ्टेड दी बर्डन टू दिस रमाशंकर पांडे। इट मे बी टेकन अप माई लॉर्ड इन 215। आई विल प्रोवाइड। यस और क्या करते हैं आपको प्रोसिक्यूशन? जब इन मेमोरेंडम में आ गया तो फिर इन्वॉल्वमेंट क्या है क्या नहीं, ये देखने की ड्यूटी खत्म हो जाती है। या तो आप ना अपराधी मत दर्ज करो भाई, सबसे अच्छा। क्या तो प्रशासन है आप।